वेल, जब मैंने कहानी सुनी थी तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अनीस जी ने पूरा स्क्रिप्ट सुनाया था और मुझे ऐसे लगा कि मेरा कैरेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड पे आता है फिल्म में। एंट्री बहुत कमाल की उन्होंने रखी थी और उसके बाद जो कन्फ्यूजन पूरा होता है वो भी कमाल का था। एंड मैंने कभी इस जॉनर की फिल्म की नहीं थी, सो आई थॉट आई हैव टू डू इट। मैंने पार्ट वन पार्ट टू भी देखी हुई थी, सो आई न्यू कि किस तरीके का जॉनर है ये, और आई डिसाइडेड टू डू इट क्योंकि इट गेव मी समथिंग डिफरेंट। ऑन सेट तो एनर्जीज होती है, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसकी एनर्जी रखनी पड़ती है। जब फैन होते हैं लोग तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपसे, तो वो कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ता है वो पार्ट ऑफ योर ब्रेन कि वो भूल जाइए, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और यू हैव टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। तो इसी पे ध्यान और नज़र रखनी पड़ती है व्हेन यू कम ऑन द सेट, क्योंकि आपको पता है कि सब हैं ही फैंस, लेकिन आप कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो वो हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि यू आर एन एक्टर फर्स्ट देन एवरीथिंग एल्स। जी, मैं 3 साल की थी जब मैंने कथक डांस सीखना शुरू किया था, और मुझे लगता है मैं 10 साल की थी जब मुझे नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी मिला था फॉर डांसिंग। तो सीरियसली मतलब बहुत साल, काफ़ी साल मैं डांस सीखी हूँ कथक, तो वो जो बेस था डांस अभिनय, यू नो, इसका मिश्रण होता है क्लासिकल डांसिंग, क्योंकि उसमें अभिनय एज अ सेपरेट चीज़ सिखाई जाती है, और ऑफकोर्स देयर इज डांसिंग जैसे तत्कार, ये वो सब जो फुटवर्क, तोड़े टुकड़े, बाकी सब कुछ होता है, ठुमरी होती है जिसमें अभिनय वगैरह ज़्यादा होता है, तो आई थिंक ऑल दैट प्रिपेयर्ड मी फॉर एक्टिंग। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा माधुरी दीक्षित अपनी बेहतरीन एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। अनीस बज्मी की हालिया फिल्म भूल भुलैया 3 में अपनी अदाकारी से अभिनेत्री ने एक बार फिर पर्दे पर जादू बिखेरा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने किरदार के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्यों चुना। उन्होंने कहा कि मैंने कहानी सुनी, मुझे यह बहुत पसंद आई। अनीस ने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई थी और मुझे लगा कि मेरा किरदार फिल्म में एक अहम मोड़ पर आता है। एंट्री बहुत कमाल की थी और उसके बाद की उलझन भी कमाल की थी। मैंने इस जॉनर की फिल्म पहले कभी नहीं की थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये करनी चाहिए। अभी 36 ईयर कंप्लीट किए आपके आइकॉनिक नंबर में 1, 2, 3, कुछ खास यादें हैं उस वक्त की आपके पास? पहले 1, 2, 3 के लिए बहुत बड़ा सेट लगा था और उन्होंने कहा था कि इस पे वक्त लगने वाला है शूटिंग वगैरह करने के लिए, तो आप डांस पहले सीख लीजिए, वो एक था। और मैं चाहती थी कि मैं रिहर्सल्स करूं सरोजी के साथ, क्योंकि क्लासिकल डांस करना और बॉलीवुड डांस करना एक अलग डांस फॉर्म है बॉलीवुड डांस, तो वो मैं उसकी जो स्टाइल थी वो मैं सीखना चाहती थी, और वो सरोजी से मुझे सीखने मिली। और जब 1, 2, 3 हमने पिक्चराइज किया तभी भी बहुत मज़ा आया क्योंकि गाना ही ऐसा था। और मुझे याद है कि हमारे पास जूनियर आर्टिस्ट थे, कम पड़ गए एक दिन, तो जो स्ट्रीट पे जो चल के जा रहे थे उनको कि आपको शूटिंग देखनी है, आप आइए आइए, ऐसे करके पूरा महबूब हॉल पूरा फुल कर दिया था उन्होंने एंड तक। और जब वो जो ऑर्डिनरी पब्लिक थी उन्होंने गाना सुना तो उनको इतना अच्छा लगा, एक लड़के ने शर्ट उतार के ऐसे फेंक दिया हवा में, तो एन चंद्रा जी ने वो देखा, वो बोले ये बहुत कमाल की चीज़ हो गई, सब करो अभी। तो ऐसे लगना चाहिए कि वाकई एक रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है किसी का और उसमें लोग मजा ले रहे हैं डांस का, तो वो जो एनर्जी आ रही थी उस क्राउड से वो अमेजिंग थी। जब मैं डांस करती मतलब ये था कि गाना बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का गाना मिला है और डांस भी अच्छा हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना आइकॉनिक हो जाएगा ये गाना। नहीं, क्या है, प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब मेरी फैमिली मेरा पहला प्रायोरिटी है। जैसे सब कह रहे थे आप यहाँ नहीं थे, यहाँ पे भूलभुलैया रिलीज़ हो गई, हिट हो गई, आप कहाँ हैं, बट इट्स माई 25th एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी दिस ईयर, एंड आई, हाँ जी, थैंक यू। तो मैं ग्रीस गई थी विद माई हस्बैंड टू सेलिब्रेट माई 25th, तो दैट वॉज माई प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट। मैंने कहा मैं वापस आऊँगी तो आई विल डू वो द इंटरव्यूज़ और जो भी आप चाहते हैं मुझे करने के लिए। तो फिर जब मैं वापस आई तो हमने PR एक्टिविटी मेरे साथ शुरू की तभी, बट सुपर हिट होगी तभी अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, फिटनेस मतलब एक तो मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ मॉडरेट होनी चाहिए। जैसे अगर आप चॉकलेट भी खाते हैं तो कभी कभी कोई कोई पूरी चॉकलेट खा जाता है, एक पूरा लाइक स्लैब,
तो मैं कहती हूँ कि वैसा नहीं करना चाहिए, मॉडरेट, अगर आपको चीटिंग भी करनी है तो मॉडरेट होनी चाहिए. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माई डाइट, व्हाट आई ईट. आई एम डांस की वजह से मुझे लगता है एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाता है. इफ़ आई एम परफॉर्मिंग वगैरह तो मैं डांस, व्हेन आई रिहर्स फॉर डांस या तो कथक रिहर्सल करती हूँ. आई वर्कआउट, मुझे वक्त मिलता है तभी आई वर्कआउट. एंड आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट आई ईट, कि अगर इधर उधर भी थोड़ा सा कभी जी करता है ना कभी कभी किसी को समोसा खा लिया या थोड़ा सा ये खा लिया, लेकिन मॉडरेट, ज्यादा नहीं. और उन फैंस को क्या कहना चाहते हैं जो लड़कियां माधुरी दीक्षित बनना चाहती हैं, वो कैसे अपने आप को तैयार करें इस फील्ड में आने के? एक चीज है कि मेरे साथ जो मैंने किया है वो है कि यू नो माय मॉम वाज अ बिग सपोर्ट फॉर मी. मेरी जो फैमिली थी वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट था. मेरे मॉम, मेरे डैड, दे वर माय बैकबोन लिटरली. जब मैं काम कर रही थी, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ सब जगह जाती. मम्मी नहीं आ सकती तो डैडी आते थे, और उस वजह से आई वॉज वेरी ग्राउंडेड. वो मुझे तालीम घर से मिली है, द वैल्यूज़, यू नो हु यू आर, इसकी पहचान रखो हमेशा. और जस्ट बिकॉज यू आर अ स्टार डजंट मीन एनीथिंग. यू नो, आप अपने काम में अच्छे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग हैं फर्स्ट, देन यू आर एवरीथिंग एल्स. ये जो सब सीख मुझे मेरी मम्मी डैडी से मिली है वो मैं हमेशा कैरी करती हूँ. मेरे बच्चों को भी वही वैल्यूज सिखाती हूँ. तो डोंट फॉरगेट योर वैल्यूज़, बी रेडी टू वर्क वेरी हार्ड, डोंट गेट कैरिड अवे विद सक्सेस. सक्सेस एंड फेलियर सबके लाइफ की एक हिस्सा है. आप ऊपर जाते हो, आप नीचे भी आने वाले हो, यू नो. सो कीप दैट इन माइंड, बी गुड टू एवरीबडी, रिस्पेक्ट एवरीवन यू नो यू वर्क विद. और एक गिव इट योर ऑल, बी सिंसियर विद योर वर्क, और जब भी आप काम करो अपना बेस्ट करो, एवरीथिंग एल्स फॉलोज देन. जी, पुरानी फिल्में, कोई आपकी ऐसी फिल्म पसंदीदा जिसे आप दोबारा चाहती हैं ये पर्दे पे आए, आपको ऐसा मन है कोई ऐसी फिल्म? अरे बाप रे, आई थिंक हम आपके हैं कौन, तो दे री रिलीज्ड अभी उनके 25th पे, आई थिंक दे री रिलीज्ड. और कौन सी है, दिल तो पागल है वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, दैट गुड. या दिल, बेटा वाज अ वेरी गुड फिल्म, और वो आज भी रेलेवेंट हो सकती है वो फिल्म. तो ऐसी फिल्में जो री रिलीज हो सकती है. आप री रिलीज बोल रहे हैं, हम रीमेक नहीं बोल रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.